हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मिस गीता ब्लॉग्स में। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ, वेज मोमो। मोमो की स्टफिंग बहुत अलग अलग तरीक़ों से होती है, जैसे सोया चॉक्स, पनीर। तो आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से सोया चॉक्स वेज मोमो आपको ट्राई करके बताऊँगी कैसी बनती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए, हमने एक कटोरी सोयाबीन लिया था, इसे पहले पानी में भिगो दिया था 10 मिनट के लिए, और ये अच्छे से हमारा सोयाबीन फूल गया है। और ये देखिए प्याज, हरी मिर्च, और हमने ये अदरक को काट लिया है बारीक। और ये हमने पत्ता गोभी लिया है 100 ग्राम करीब, इसे भी बारीक काट लिए हैं। और ये शिमला मिर्च और गाजर। तो मिक्सर का जार लेंगे और इसमें सोयाबीन को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए हमारा सोयाबीन अच्छे से ग्रेट हो चुका। इसे ज़्यादा नहीं महीन करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और फिर इसमें हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डालेंगे। ये मैंने एकदम सिंपल तरीके से वेज मोमो बनाया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अदरक, जो हमने बारीक काट लिया था, और इसे हमने भून लेना है। और फिर डालेंगे हरी मिर्च, और ये भी थोड़ा सा भून जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, और ऐसे ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम हाई फ्लेम करके भूनें। और फिर अब इसमें हम डालेंगे ये गाजर, और फिर शिमला मिर्च। अगर आपके पास शिमला मिर्च ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिमला मिर्च डालेंगे तो इससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। और ऐसे ही इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लें। तो मैंने इसे भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एकदम पतला शेप में इसे काट लिया है। ऐसे ही हम सारे सब्जियों को डाल देंगे, और इसे सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना है, यहाँ पे फ्लेम को हाई कर दें, और इसे बीच बीच में अच्छे से चलाते रहें। मैं ये स्टफिंग में कोई सॉस का यूज नहीं की हूँ। अब हम इसमें डालेंगे सोयाबीन। सारे सोयाबीन को डाल के अच्छे से मिला लें। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने मसाले से स्टफिंग तैयार किया है। तो ऐसे ही इसे अच्छे से चला लें, और फिर अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अगर आप सॉस का यूज करना चाहते हैं तो आप सॉस भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये मैंने लिया है 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब मैं इसमें डालूंगी 4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर हमें डालना है 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और फिर रेड चिली पाउडर भी 4 टेबल स्पून डालना है। आप एक बार इस तरह से मोमो बना के ट्राई कीजिए। और फिर हमें डालना है हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। जो घर पे चीज़ अवेलेबल होती है उसी से मैंने ट्राई किया वेज मोमो, और ये काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे चलाते रहें ताकि इसमें सारे मसाले अच्छे से पक जाएं और फ्लेम लो कर दें। और फिर इसे आप ढक के भी पका सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा स्टफिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो ये बन के तैयार हो गई है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें लेना है 1 बाउल, ये हमारा बड़ा बाउल है, और इसमें हमें लेना है 1 कटोरी मैदा। ये करीब 250 ग्राम मैदा है। फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। आप रिफाइंड ऑयल का यूज करें, और फिर इसे मिला लेंगे अच्छे से।
और ऐसे ही हमें मिला के पानी से आटे को गूँथ लेना है। याद रखे, आटा हमारा ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ना ही हार्ड होना चाहिए, सेमी स्टेप होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें हल्का हल्का पानी डाल के अच्छे से गूँथ लेना है। और गूँथने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि आटा अच्छे से सेट हो सके। देखिए, हमने एकदम मुलायम अच्छे से आटे को गूँथ लिया है। और इसे हमें ढक के रख देना है। तो मैंने 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब आटा एकदम तैयार हो चुका है। अब इसे हम अच्छे से अब इसे लोइया काट ले। मोमो का साइज हमें छोटा ही रखना है। मैं सारे लोइये को पहले बना लूँगी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ही छोटा या बड़ा लोइये का साइज कर सकते हैं। अब मैं रोटी की तरह इसे बेल लूँगी। आप इसे हल्का सा मैदा लगा के बेलें, क्योंकि मैदा काफ़ी चिपकता है, तो इसे आटे लगा के ही बेलें। तो ये देखिए, अब मैं ऐसे ही सारे लोइये को अच्छे से रोटी बेल लूँगी और फिर हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ऐसे आप चाहें तो एक एक करके भी बेल के स्टफिंग भर सकते हैं। तो मैंने सारे लोइये को पहले बेल लिया है, देखिए ऐसे। अब मैं इसमें स्टफिंग भरूँगी। तो ये देखिए, मैं एक रोटी ले लूँगी और इसमें हम स्टफिंग भरूँगी। स्टफिंग आप ज़्यादा भरें, इससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप कम भरेंगे तो थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ऐसे ही इसे मोमो को ऐसे फोल्ड कर दें। मोमो बनाना बहुत इजी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है और एकदम मार्केट जैसा टेस्ट भी लगेगा। ऐसे ही सारे मोमो को मैं बना लूँगी ऐसे ही अच्छे से। देखिए, ऐसे मोड़ ले हथेली पे रख के। देखिए, हमने सारे मोमोज को ऐसे बना लिया है स्टफिंग भर के। अगर आपके पास मोमो स्टीमर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से मोमोज बनाएंगे तो एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और एकदम ये आसानी से बन जाएगा। और घर पे जो अवेलेबल सामान है, मैंने उसी से बनाया है। तो ऐसे ही हमें सारे मोमोज बना के रख लेना है और फिर स्टीम करने के लिए रखना है। तो ऐसे आप देख लिए ना कैसे मैंने इसे मोमो का शेप दिया है, एकदम आसान तरीके से। आप चाहें तो ऐसे इसे घुमा भी सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ऐसे बना लिया है सारे मोमोज। तो अब मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसमें पानी डाल के ये हमने छन्नी लिया है, और छन्नी पे ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे मोमोज चिपके ना। ये देखिए, हमने ऑयल लगा लिया और इस पे मैं मोमोज को रखूँगी। देखिए, ऐसे ही हमें मोमोज को इस पे रख देना है छलनी पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पिछले कुछ वीडियो से मैं देख रही हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट के लिए थैंक यू। प्लीज़ ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही रेसिपी लाती रहूँगी। तो ये देखिए, हमने सारे मोमोज भी ऐसे छलनी में रख लिए और इसे अब हमें ढक देना है। मैंने ढक के रख दिया था 10 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारे मोमोज अच्छे से स्टीम हो गए हैं और इसे हमें पलट देना है। आप चाहें तो पलटे, नहीं तो ऐसे भी मोमोज अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। आप इसे चाहें तो रेड सॉस के साथ भी खा सकते हैं या ग्रीन चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं।
अगर आपको मोमो की चटनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि चटनी की रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे मोमो को स्टीम कर लिया है और मैं अब एक प्लेट में इसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए, हमने सारे मोमो को इस प्लेट में निकाल लिया है और फिर आप इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में रख दिया है। आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, चाहे बिना फ्राई भी खा सकते हैं, दोनों काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो मैंने एकदम इजी तरीके से आपको मोमो की रेसिपी शेयर की है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।